हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमर है। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, गर्मी ज़बरदस्त पड़ रही है। घर से निकलें तो प्लीज़ प्लीज़ पानी साथ लेके रखें और अपना सर ढाँप के रखें। हो सके तो दोपहर को बाहर ना निकलें। अगर इन केस आपको इमरजेंसी है तब तो निकलना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली ना निकलें। जैसा कि आप जानते हैं, ईद उल अज़हा का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। मवेशी मंडियों में आना शुरू हो चुके हैं और सब लोग हमसे पूछ रहे हैं मंडियों के बारे में। तो आपकी पुरजोर फरमाइश पे आज हम आए हुए हैं पेशावर की सबसे बड़ी मंडी काला मंडी पेशावर में। यहाँ से हम आपको अपडेट्स देंगे, जानवर दिखाएंगे, आपको रेट्स देंगे, आपको दिखाएंगे कि लास्ट ईयर से प्राइसेस कैसे ऊपर जा रही हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, सबसे पहले जानवर हमारे पास जो है ये चुलिस्तानी नस्ल का बैल है। बहुत ज़बरदस्त कलर है, इसको चीना प्रिंट भी कहते हैं। ब्राउन और वाइट में है, दो दांत का जानवर है, लेकिन इस गर्मी के मौसम में इतना ज़बरदस्त भरा हुआ जानवर, ये मेंटेन करना बनाना काफ़ी मेहनत का काम है। बहुत प्यारा जानवर है, दो दांत में है और ये गालिबन पंजाब साइड से ये लाए हुए हैं भाई। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत और गुंजाइश भी हो सकती है, ईद तक इंशाल्लाह ये और भी बन सकता है। तो कोई अगर खुद घर के लिए पालना चाहे या सेल के लिए रखना चाहे, इसमें अभी पोटेंशियल और भी है। लेकिन बहुत प्यारा बैल है, 3,75,000 इसके बार्गेनिंग के बाद मांग रहे हैं। ऑलमोस्ट फाइनल है अभी, शायद थोड़ा बहुत और गुंजाइश इसमें हो जाए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और साहिवाल नस्ल का बैल है। बहुत प्यारा बैल है, पिछले वाले से साइज़ में हल्का सा छोटा है। इसके कलर के भी पैसे हैं, बहुत प्यारा इसका ऑल ब्राउन कलर है, प्योर ब्रीड में लग रहा है। और जो है तो 360, 3,60,000 इसके बार्गेनिंग के बाद मांग रहे हैं। इसका कद इतना नहीं है, लेकिन गोश्त इसमें तकरीबन उतना ही होगा जितना पिछले वाले में था। कुहान इसका थोड़ा और डेवलप हो सकता है, शायद इसको और पालें, इसको और बनाया जा सकता है, लेकिन काफ़ी अच्छा बना हुआ है जानवर। लेकिन कद थोड़ा सा छोटा है, आई थिंक कद की वजह से खूबसूरती में उतना नहीं है जितना पिछले वाला, लेकिन गोश्त ऑलमोस्ट इसमें भी अच्छा खासा है और इसमें और भी गुंजाइश हो सकती है, और बन सकता है जानवर अगर कोई इसको पालना चाहे कुर्बानी तक के लिए। ये तीसरा जानवर हमारे पास दो दांत का जानवर है, गलबन ये धनी ब्रीड का मिक्स है। बेसिक सब जानवर है, कुछ खास इसमें है नहीं, लेकिन इसका मालिक 3,20,000 से कम नहीं कर रहा, जो कि मेरे हिसाब से ज़रा ज़्यादा है। ये जानवर और कद में भी बड़ा होगा थोड़ा सा और बनेगा भी, लेकिन एट द मोमेंट इसके 3,20,000 थोड़े से ज़्यादा हैं। गालिबन और बार्गेनिंग करेंगे तो शायद और नीचे आ जाए, लेकिन थोड़े ज़्यादा मांग रहे हैं। दो दांत का जानवर है और एवरेज सा जानवर है और इसके 3,20,000 मांग रहे हैं। चौथे नंबर पे जो हमारे पास ये जोड़ी है, ये बहुत बड़े जानवर हैं। ये चुलिस्तानी होल्स्टाइन के क्रॉस में हैं। एक डार्क ब्राउन और वाइट है और एक ब्लैक एंड वाइट है। जैसे आप देख रहे हैं, इनके कुहान चुलिस्तानी की तरफ बड़े नहीं हैं, लेकिन ये जानवर दो दांत में हैं और बहुत बड़े जानवर हैं। गोश्त से भरे हुए, कद बहुत बड़ा है दोनों का। और इस जोड़ी का इकट्ठा मांग रहा है मालिक 6,00,000 रुपये बार्गेनिंग के बाद। मेरे हिसाब से तो प्राइस जो मैंने बाकी जानवर देखे हैं ठीक लग रही है, क्योंकि इतने जानवर पीछे 3,00,000 से काफ़ी ऊपर के थे। गालिबन ये मालिक इकट्ठा बेचना चाहता है, तो इसलिए अगर किसी को दोनों इकट्ठे चाहिए तो 6,00,000 अच्छी प्राइस है। दो दांत में बड़े जानवर हैं, काफ़ी अच्छा गोश्त है दोनों में, और भी बन सकते हैं। पांचवें नंबर पे हमारे पास चार बैल हैं धनी नस्ल के। ये चार चार दांत के हैं और ब्लैक एंड वाइट कलर में हैं, चीना प्रिंट में तीन, और एक तकरीबन वाइट है। दरमियान वाला जो वाइट है लंबाई में ज़्यादा है, कद में भी थोड़ा ज़्यादा है और रंग भी इसका तकरीबन सफ़ेद है। ये चारों बैल हैं चार चार दांत में, जो साइड पे लेफ्ट पे दो हैं और राइट पे जो एक है, इन तीन का 380 हर एक का मांग रहा है मालिक। जो दरमियान वाला है सफ़ेद वाला, ये ज़रा बड़ा है, इसका फाइनल 4,00,000 रुपये दे रहा है। इन जानवरों का कद अच्छा खासा बड़ा है, खासकर दरमियान में जो वाइट वाला है, इसका तो कलर भी बड़ा ज़बरदस्त है और लंबाई में भी अच्छा है, तो इनको और भी बनाया जा सकता है। लेकिन इनकी खूबसूरती के पैसे हैं और कद भी इनके काफ़ी बड़े हैं, और भी बन सकते हैं जानवर। छठे नंबर पे हमारे पास ये दो दांत का जानवर है, चुलिस्तानी प्योर तो नहीं कह सकते, कुछ मिक्स इसमें है। हाइट इसकी इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, इसको ठीक से पाला नहीं गया, लेकिन थोड़ा सा ये और बन सकता है। गोश्त में भी थोड़ा सा कमज़ोर है, और बन सकता है ये। तो इसको अगर आप ईद तक पालें तो इससे बेहतर हो सकता है। एट द मोमेंट मालिक जो इसकी फाइनल कह रहे हैं वो 2,70,000, जो कि थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जानवर पे कुछ खास मेहनत नहीं की गई, बस जैसे पल गया पल गया।
तो इसको और अगर देखभाल की जाए तो इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ईद तक ही अच्छा जानवर बन सकता है। लेकिन 270 इसकी थोड़ी से ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम करना चाहिए। सातवें नंबर पे हमारे पास एक जोड़ी है दो बैलों की जो धनी नस्ल के हैं। ये चार दांत के जानवर हैं लेकिन अच्छे खासे बने हुए हैं, पले हुए हैं। एट द मोमेंट इनको कुर्बानी तक आप तैयार ही समझें, लेकिन थोड़ा आप बनाना चाहें तो और भी बना सकते हैं। कुहान दोनों के अच्छे खासे बने हुए हैं लेकिन ये चार दांत में हैं, दो दांत में होते तो और बेहतर होता। खैर, इसकी प्राइस ये जो मालिक मांग रहा है वो 500,000 इस जोड़ी की मांग रहा है, जो कि काफ़ी जायज़ है। गालिबन ये इसलिए है कि बाकी जो जानवर होते हैं अगर इस साइज़ के दो दांत में होते तो कीमत शायद 600,000 तक होती, लेकिन ये 500,000 दोनों के मांग रहा है, जो कि काफ़ी रीज़नेबल है। लेकिन चार दांत में ये हैं, अगर किसी को चार दांत से मसला नहीं है तो ये जानवर बहुत अच्छे बने हुए हैं और भी इनमें गुंजाइश बन सकती है। ईद तक ये और इससे बड़े हो सकते हैं, कद में भी और गोश्त में भी। आठवें नंबर पे हमारे पास ये डेयरी फार्म के लिए अच्छी गाय है। मालिक कह रहे हैं इसका दूसरा सुआ है, ये 7 माह की प्रेग्नेंट है, गबन है, और इसके नीचे मालिक कह रहे हैं कि 25 लीटर का दूध हो सकता है, 25 हो सकता है ना हो, ये तो अभी इसमें कोई 2-2.5 महीने हैं, इसको कैसे पाला जाता है और सब कुछ तो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर इसको अच्छा पाला जाए तो अच्छा दूध दे सकती है। मालिक इसके 7.5 लाख मांग रहा है और मालिक कह रहा है कि ये प्योर होल्स्टाइन ब्रीड में है, तो उस हिसाब से 7.5 लाख, अगर ये वाकई में 25 लीटर दूध दे रही है तो प्योर ब्रीड के 7.5 लाख अच्छी प्राइस है, क्योंकि ये जानवर मिलना मुश्किल होते हैं, कोई बेचता ही नहीं है ये जानवर। तो अगर ये वाकई में 25 लीटर दे रही हो तो अच्छा जानवर है और अच्छी प्राइस है, 7.5 लाख रुपये। ये जो आखिरी बच्चा है ये चुलिस्तानी ब्रीड में है, बहुत प्यारा जानवर है, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसका एक दांत ही निकाल चुका है, दूसरा अभी निकल रहा है, तो मतलब कुर्बानी तक ये 2 दांत हो चुका होगा। लेकिन इसमें ख़ास बात ये है कि इसको अगर कोई पाल के अगले साल के लिए तैयार करें ना तो इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसकी लंबाई काफ़ी बढ़ने वाली है, इसका कद बढ़ने वाला है, इसके खुर ऐसे हैं जिसके ऊपर आप वज़न और डाल सकते हैं। इसका मालिक इस वक्त इसके 2.5 लाख रुपए मांग रहा है, जो कि रीज़नेबल हैं, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कि अभी तो अच्छा बना हुआ है लेकिन इसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो 2.5 लाख इसके मेरे हिसाब से जायज़ बनते हैं, क्योंकि इसकी अगर कोई पलाई करके अच्छा बनाना चाहे तो इसको अच्छा जानवर, बड़ा जानवर बनाया जा सकता है। ये चुलिस्तानी नस्ल में है, ईद तक ये 2 दांत हो जाएगा और इसके 2.5 लाख रुपये मांग रहे हैं। बहुत प्यारे कलर में प्यारा जानवर है। तो ये थी आज की वीडियो। आज हमने कोशिश की कि आपको काला मंडी का टूर कराया जाए, जो अच्छे अच्छे जानवर थे उनको हमने कवर किया। जिन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पैसे मांगे, अनरियलिस्टिक प्राइसेस थी, उनको हमने इंक्लूड नहीं किया। अपनी तरफ से कोशिश की कि जितना बार्गेनिंग के बाद हम आपको अच्छा रेट बता सकें तो वो बताया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनी राय से आगाह करें कमेंट सेक्शन में, और बताया करें कि आपको और कहाँ कहाँ की कैसी कैसी वीडियोस चाहिए, ताकि हम आपको आपकी चॉइस की वीडियोस बना के दे सकें। अगली वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखें, गर्मी से बचते रहें, बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।